गया वो नेता जिसने हमारी सुमन की जिंदगी बर्बाद की है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मेरे पति को हाथ कैसे लगाया तूने? सीरियल के आने वाले ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि इस बार देविका ने सुमन के खिलाफ एक नई साजिश रची है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर देविका जो है उसे डर है कि कहीं हमारे सुमन और तीर जो है ज्यादा क्लोज ना आ जाए और कहीं सुमन जो है वो तीर भय के कान ना भर दे, ये ना बता दे कि कृतिका पागलपन का नाटक करी। तब यहाँ पर गुलशन जो है वो देविका को कहता है कि आप चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत अच्छा रास्ता है। तभी वो देविका को एक वीडियो भेजता है जिसमें हम देख सकते हैं कि तीर को कुछ गुंडे मार रहे होते हैं और यहाँ पर देविका की दिमाग की बत्ती चलती है और वो षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि देविका जो है अचानक से चीख चिल्लाकर घर वालों को बुलाने लगती है और ये फुटेज दिखाते हुए कहती है कि देखो हमारे तीर भैया बीच बाजार में मार खा रहे हैं। और इस मारपीट का जो मेन नतीजा हमारी देविका ने निकाला है वो ये है कि सुमन को तीर भैया ने छोड़ दिया है, इस वजह से तीर भैया को मारा जा रहा है। और अब ये सुनकर तो भाई हमारी गीतांजलि मैडम जो है वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और सुमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसी के साथ ट्रैक में हमें देखने को मिल रहा है कि देविका ने जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी दिखाया, उसकी वजह से घर वालों का गुस्सा हमारे सुमन पर भड़क उठा है। सभी घर वाले सुमन के अगेंस्ट हो गए हैं और आने वाले ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर गीतांजलि जी जो है यानी कि तीर्थ की माँ जो है वो सुमन को श्राप देते हुए भी नजर आने वाली है, उसे कोसते हुए भी नजर आएंगी। वहीं कहानी में आने वाले ट्रैक में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि इस बार हमारी सुमन और तीर धीरे धीरे नजदीक आने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर तीर को इतनी ज्यादा चोट लगी है तो हमारी सुमन जो है वो तीर के जख्मों पर मरहम लगाते हुए नजर आने वाली हैं और इसी के साथ धीरे धीरे कर इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। मतलब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि अब हमारे तीर और सुमन का रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेगा।